वंदे मातरम दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल युवान एकेडमी पे स्वागत है आज हम मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर वन लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट है ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है कि ये 2018 में पूछा गया है 2018 सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट दोनों में 2019 में दोनों शिफ्ट में पूछा गया उसके बाद 2020 के दोनों शिफ्ट में पूछा गया फर्स्ट और सेकेंड दोनों शिफ्ट में उसके बाद दो के भी दोनों शिफ्ट में पूछा गया है ठीक है बाईस का क्वेश्चन तो मेरे पास नहीं था इसलिए हमको पता नहीं कि पूछा गया है या नहीं पूछा गया लेकिन तेईस में ये डेफिनेटली पूछा जाएगा दो नंबर वाले क्वेश्चन में ठीक है इसलिए इसको अच्छे से तरह से पढ़ लीजिए अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से बना लिए दो नंबर अभी ही आपका एग्जाम में फिक्स हो गया ठीक है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एस सी एफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें मतलब 135 और 225 का जो एस सी एफ निकालना है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है ठीक है इसके लिए सबसे पहले आपको भाग विधि से एस सी एफ निकालना तो सब जानते हैं एक बार फिर भी देख लीजिए जैसे एक सौ पैंतीस से 225 में भाग देंगे कितना मर्तब लगेगा? एक मर्तब 135 लगाएं लगाए जीरो बारह में से तीन गया नौ ये कट गया नब्बे अब क्या करेंगे नब्बे से जिससे पहले भाग दिए थे उसमें हम भाग देंगे नब्बे से किसमें भाग देंगे एक सौ पैंतीस में एक मर्तबा लगा नब्बे घटाएंगे कितना आएगा पांच तेरह से नौ गया चार पैतालीस अब क्या करेंगे पैतालीस भाग देंगे तो पैतालीसेंगे नब्बे में ठीक है कितना मर्त लगेगा दो पैतालीस दो नहीं? नब्बे ये कट गया ये तब तक करना प्रक्रिया जब तक की लास्ट में हमको जीरो न मिले ठीक है जीरो आ गया अब प्रक्रिया खत्म हो गया इसी को यूक्लियड विभाजन परिमय में, में दर्शा देंगे ठीक है तो सबसे पहले जो इस दो संख्याओं में सबसे छोटा रहेगा वो उसको बी मानेंगे और जो सबसे बड़ा रहेगा उसको ए मानेंगे तो सबसे बड़ा क्या दो सौ पच्चीस है तो ए बराबर यहाँ लिखेंगे दो सौ पच्चीस बी बराबर कितना हो जाएगा बी बराबर आपको हो जाएगा एक सौ पैंतीस ठीक है अब यहां लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से ठीक है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये लिखना जरूरी है तब आपको दो में से दो नंबर मिलेगा बिल्कुल एक नंबर भी नहीं कटेगा ठीक है, है अब ये लिख दिया तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ठीक है तो ए हम यहाँ कितना माने हैं तो इसको सजाएंगे कैसे यहां देखिए 135 से जो भागा है 225 में तो ये आपका क्या हो गया ए हो गया ये बी हो गया और ये जो भागफल बचा है ये क्यू हो गया इसके लिए ये 90 जो है ये शेष हो गया तो पहला स्टेप आपको यहां से यहाँ दर्शाना ये हो गया आपका पहला स्टेप इतना ये पहले स्टेप में आपको दर्शाना उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप में इसको दर्शाना ठीक है तो चलिए दर्शाते हैं तो यहाँ क्या हो गया यहाँ a बराबर क्या हो गया सॉरी 225 हो गया तो यहाँ लिखेंगे दो पच्चीस बराबर बी देखिए यहाँ कितना एक सौ पैंतीस है तो एक सौ पैंतीस और भागफल कितना है क्या हो कितना रिमाइंडर शेष यहाँ शेष कितना बच रहा है इस स्टेप में नब्बे तो प्लस नब्बे ये प्रक्रिया तब तक करना है जब तक की ये आर यानी शेष फल जीरो ना आ जाए यहाँ जीरो नहीं आया यहाँ लिख देंगे चूंकि शेष क्या हुआ वल टू जीरो इसलिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो यहां लिख देंगे पुनः अब इस यहां पे जो हम भाग दिए हैं ये दूसरे स्टेप में जो आया है नब्बे जो एक में भाग दिए हैं तो भाग फल कितना एक है और शेष कितना बचा है यहाँ पैतालीस तो इसको दूसरे स्टेप में लिखना है ठीक है तो यहाँ क्या हो गया नब्बे क्या हो जाएगा यहाँ यहाँ हो जाएगा आपको बी और एक सौ क्या हो जाएगा ए और एक क्या हो गया यहाँ क्यू हो गया और पैतालीस यहाँ क्या हो गया रिमाइंडर आर हो गया इस स्टेप के लिए ठीक है तो यहां लिखेंगे ये यहां पे क्या आ गया ए बराबर कितना हो गया 135 तो यहां लिखेंगे 135 बराबर किससे भागा दिए नब्बे से तो नब्बे गुना भागफल कितना आया जब नब्बे से भागा दिया है? तो एक आया तो गुना एक प्लस शेष कितना यहां देखिए शेष पैतालीस बचा तो प्लस पैतालीस हो गया ठीक है यहां भी हमको शेष जीरो नहीं मिला इसका मतलब प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो लिख देंगे चूंकि शेष इक्वल टू जीरो इसीलिए अब फिर आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ लिखेंगे पुनः ठीक है अब किससे किस में भागा दे रहे हैं अब देखिए तीसरे स्टेप में हम 45 से नब्बे में भागा दे रहे हैं तो इस स्टेप के लिखना है ठीक है 45 से जो नब्बे में भागा दे रहे हैं इस स्टेप को तो इसके लिए 45 क्या होगी आपको आपको हो गया बी हो गया 90 क्या हो गया ए हो गया और आर बराबर कितना हो गया दो ये सॉरी आर नहीं ये क्यू हो गया भागफल क्यू हो गया और यहाँ आर कितना हो गया जीरो तो इसको सजा देंगे ठीक है तो अब देखिए इससे में भागा दिया नब्बे में भागा दिया पैतालीस तो नब्बे बराबर लिखेंगे पैतालीस गुना देखिए पैतालीस से भागा दिया कितना मर्त है दो भागफल दो आया तो गुना दो प्लस रिमाइंडर कितना आ गया जीरो प्लस जीरो क्या हो गया यहां शेष बराबर जीरो ठीक है तो जिससे लास्ट में हम भाग दिए हैं वही एस हो जाएगा तो यहाँ किससे लास्ट में भाग दिए पैतालीस से भाग दिया तो एस बराबर क्या हो जाएगा पैतालीस तो यहाँ लिख देंगे एस किसका 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 हो गया एक और दो का तो एक सौ कोमा दो बराबर कितना हो गया पैतालीस यही आपका आंसर हो गया ठीक है इसको उल्टा के भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं एस सी एफ और दो सौ पच्चीस कोमा एक सौ पैंतीस ये भी लिख सकते हैं बराबर पैतालीस ये आंसर हो गया इसी टाइप का इसमें क्वेश्चन नंबर दो भी दिया हुआ वो भी देख लेते हैं इसको अच्छे तरीके से देख लेना है क्योंकि ये दो नंबर आपका फिक्स है तेईस वाले बोर्ड एग्जाम में ठीक है चलिए दूसरा क्वेश्चन है एक सौ छियानवे और तीन हजार सॉरी अड़तीस हजार दो सौ बीस इस दोनों का क्या करना है एससी निकालना सबसे पहले क्या करेंगे ये आपका अपना क्या हो गया ये बराबर क्या हो जाएगा यहाँ यह हो जाएगा अड़तीस हजार दो सौ बीस ये क्या हो गया ए और बी क्या हो जाएगा बी बराबर एक सौ छियानवे अब क्या करेंगे एक सौ छियानवे में हम रफ में भागा दे देंगे किस में अड़तीस हजार दो सौ बीस में तो एक सौ छियानवे भागा अड़तीस हजार दो सौ बीस इसका अस्सी निकाल लेंगे सबसे पहले एक मरतब लगेगा कितना हो गया एक सौ छियानवे बारह में छह गया कितना बचा छे बचा और यहाँ कितना बच गया सात सत्रह में से नौ गया आठ बच गया यहाँ दो में से एक गया एक अब तो नहीं लगेगा तो यहाँ क्या करेंगे दो को उतार देंगे ठीक है अब कितना मर्तब्य लगेगा आठ आठ नौ मर्तब्य लगेगा तो नछा के चौवन हाथ में कितना बचेगा पांच नन्मा इक्यासी पांच छियासी आठ हो गया हासिल नौ नौ आठ सत्रह तो सत्रह सौ चौसठ हो गया इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बारह में से चार गया आठ यहाँ कितना बच गया यहाँ बच गया आपको पांच पंद्रह में से गया कितना नौ यहाँ तो कट गया ये कट गया तो ये यह, यहाँ से अब क्या उतरेगा जीरो अब कितना महत्व है अब पांच महत्व लगेगा पांच मर्तव्य में ये छ पंच तीस तीन बचा नौ पैतालीस तीन अड़तालीस चार पांच और चार नौ ये क्या हो गया कट गया ये तो पूरा पूरा ही कट गया एक ही स्टेप में तो इसके लिए क्या हो गया यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन यूक्लिड सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से ठीक है तो ये क्या कहता है कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर ठीक है यहाँ a हमको क्या हो गया a हो गया ये अड़तीस हजार दो सौ बीस बी हो गया एक सौ छियानवे और ये एक सौ पंचानवे क्या हो गया ये तो भागफल है तो क्या हो जाएगा q और शेष कितना बचा रहा रिमाइंडर जीरो तो ये क्या हो गया आर तो एक जगह कितना देंगे अड़तीस हजार दो सौ बीस तो यहां लिखेंगे अड़तीस हजार दो बीस बराबर बी का वैल्यू एक सौ छियानवे गुनी क्यू यानी भागफल कितना एक सौ पंचानवे तो गुना एक सौ पंचानवे प्लस रिमाइंडर कितना बचा जीरो तो यहां प्लस जीरो तो लास्ट में हम किससे भागा ये थे यानी फर्स्ट स्टेप में ही कट गया तो ये फर्स्ट बोले या लास्ट बोले एक ही हो गया किससे कट गया एक सौ छियानवे तो ये एक सौ छियानवे ही क्या हो जाएगा इस दोनों का एस सी एफ तो यहां लिख देंगे यहां इक्वल टू जीरो इसीलिए एस सी एफ किसका किसका एक सौ छियानवे और अड़तीस हजार दो बीस का कितना हो जाएगा बराबर एक सौ छियानवे यही इसका आंसर हो गया ठीक है चलिए एक क्वेश्चन इसमें और है उसको भी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीन नंबर पे तीन नंबर में है कि आठ 225 का और निकालना सौ विभाजन का एस सी पे देखिए सबसे बड़ा कौन है आठ सौ सड़सठ है ए बराबर आठ सौ सड़सठ हो जाएगा अपना उसके बाद बी बराबर कितना हो जाएगा 255 अब क्या करेंगे भाग विधि से हम रफ में इसका एस निकाल लेंगे ठीक है तो छोटा वाला क्या है दो से किस में भाग आ देंगे आठ में कितना मर्त लगेगा दो तीन मर्त लग जाएगा देख लेते हैं पंद्रा, पंद्रा, एक सोलह तीन नौ सात छह सौ पैंसठ तो सात में से पांच गया कितना दो जीरो एक एक सौ दो हो गया अब एक सौ दस में दो से क्या करेंगे दो सौ पचपन पहले जिससे भाग दिए थे उसमें भाग देंगे तो भाग देंगे, मर्थव? दो सौ पचपन में भाग देते हैं कितना मरतबा दो मरतबा आराम से लगेगा तो चार जीरो दो घटाएंगे यहाँ पांच में से चार कितना बचा एक पांच ये तो कट गया अब क्या करेंगे इक्यावन से एक सौ दो में भागा देंगे तो इक्यावन से एक सौ दो में भागा देते हैं तो कितना मरते है दो मर्तब में ये कट जाएगा पूरा पूरी तो क्या स्टेप हो गया एक स्टेप दो स्टेप तीन स्टेप इसका मतलब इसको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका सजाने के लिए हमको तीन स्टेप लिखना पड़ेगा तो यहां पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से विभाजन प्रमेयिका से ठीक है ये लिखना जरूरी है तब आपको दो में से दो नंबर मिलेगा तो ये क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर ठीक है तो फर्स्ट स्टेप के लिए मेरा क्या 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 हो गया यहां पे देखिए माने है इसको ए माने है इसको बी माने है और ये क्या हो गया मेरा क्यू uh, हो गया ठीक है ये रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप के लिए इतना के लिए ये हो गया ठीक है इसी को सजा देंगे तो देखिए यहाँ पे a बराबर कितना हो गया आठ सो सड़सठ आठ सो सड़सठ बराबर बी का वैल्यू कितना है 255 तो 255 सौ पचपन गुना देखिए कितना मर्त लगा था तीन मर्त बेथ. q बराबर क्या हो जाएगा गुना तीन प्लस यहाँ देखिए रिमाइंडर कितना बचा 102 सो दो रिमाइंडर बचा तो प्लस 102 सौ दो यहाँ हमको क्या शेष जीरो नहीं आया तो यहाँ लिख देंगे चूंकि शेष नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ लिख देंगे पुनः अब देखिए दूसरे स्टेप में ये दूसरे स्टेप के लिए ये क्या हो गया बी हो गया ये क्या हो गया ए हो गया ये क्यू हो गया ये आर हो गया ये दूसरा स्टेप हो गया ठीक है इसको सजा देना है तो तो ए बराबर कितना हो जाएगा दो बराबर याद तो किससे भागा दे, दे रहे दो सो में एक सौ तो एक सौ दो गुना कितना मर्तब हमको लगा यानी भागफल कितना आया दो तो गुना दो प्लस रिमाइंडर इसके लिए कितना बचा है इसके लिए फिफ्टी वन मेरा रिमाइंडर है तो प्लस फिफ्टी वन यहां भी शेष जीरो नहीं आया तो यहां लिख देंगे चूंकि शेष नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे तो यहां लिख देंगे पुनः अब किस में भागा देंगे एक सौ दो में किससे भागा सॉरी शेष में शेष किस से किसमें इक्यावन से एक सौ दो में भागा दे रहे हैं तो ए, ये तीसरे स्टेप के लिए ये क्या हो गया मेरा बी हो गया एक सौ दो क्या हो गया एक सौ दो ए हो गया और दो हो गया q और जीरो यहाँ क्या हो गया रिमाइंडर r यानी जीरो हो गया तो इसके लिए हो गया आपको a बराबर कितना हो जाएगा 102 सौ दो बराबर यहाँ देखिए 102 सौ दो में भागा दे रहे फिफ्टी से तो 51 वन गुना दो मरतबे प्लस रिमाइंडर जीरो तो यहाँ हमको शेष जीरो मिल गया तो लिख देंगे यहाँ शेष बराबर जीरो इसीलिए एच इसका किसका आठ और 225 का कितना हो जाएगा यहाँ लास्ट में किससे भागा इक्यावन से तो बराबर 51 यही आप, अपना आंसर हो गया तो आपके लिए होमवर्क ये आपका होमवर्क हो गया सब बना लेना है ये 2018 में पूछा गया 960 और चार सौ का बत्तीस का एलसीएफ निकालना यूक्लिड विभाजन का तो ये 2018 में सेकेंड सिटिंग में पूछा गया और आठ और 225 सौ सॉरी नौ सौ तिरसठ और छह से सन्तावन इसका निकालना है 570 सौ सत्तर और चौदह सौ पच्चीस दो सौ बहत्तर और दस सौ बत्तीस सोलह सौ इक्यावन दस सौ बत्तीस दो सौ इकतीस तीन सौ छियानवे और दो सौ पचपन आठ सौ सड़सठ ये आठों सवाल आपको बनाना है ठीक है नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ आप उससे भी जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करें लाइक करें धन्यवाद